वेलकम माई YouTube फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आया हूँ परफेक्ट कार बाज़ार में और आज कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम जो गाड़ी दिखाने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन गाड़ियां हैं यहाँ पर, और सबसे ख़ास बात ये कि यहाँ पर पूरे लखनऊ में अगर देखा जाए तो सबसे कम रेट रहता है। पिछले वीडियो भी यहाँ के आप देख सकते हैं परफेक्ट कार बाज़ार के इमरान भाई के यहाँ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको सारी गाड़ियाँ एक एक करके। तो सबसे पहले जो गाड़ी हम दिखाना चाहेंगे आपको वो है बीट, जो कि पेट्रोल है या डीजल है? पेट्रोल है। तो आज हमारे साथ हैं इमरान भाई परफेक्ट कार बाज़ार से। बहुत बहुत स्वागत है इमरान भाई। थैंक यू। और हमारे लोगों को आज अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दिखाइए और जेन्युइन रेट में दिखाइए। आपका काफ़ी फेमस है मामला ये जेन्युइन रेट वाला। बहुत सारे भाई लोग हमारे देख चुके हैं और ये चीज़ जानते भी हैं कि आपका जो रेट रहता है वो पूरे लखनऊ में सबसे कम रहता है। और ये चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ, भाई का जो रेट रहता है वो पूरे लखनऊ में सबसे कम रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए और दिखाते हैं आपको सबसे पहले पेट्रोल में बीट, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़ी है, और उसके बाद फिर और भी गाड़ियां हैं यहां पर जो हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे बीट, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। गाड़ी पहले आप देखिए, चारों तरफ से गाड़ी में स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ है। और इस साइड से भी दिखाता हूँ मैं, साइड से भी देखिए, कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में। टायर की कंडीशन भी दिखा देता हूँ मैं और फिर पीछे से दिखाते हैं। पीछे से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है इसका, और ये पेट्रोल में टॉप मॉडल है। अंदर का इंटीरियर देखते हैं इसका, तो इंटीरियर भी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी ज़बरदस्त है। बीट का वैसे भी अच्छा होता है अंदर से, और सीट कवर वगैरह भी ठीक है। और ये 2012 का मॉडल है। तो अंदर से आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, ये 2012 का मॉडल है और चली कितनी है? चली 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल पर है, और इसका माइलेज लगभग पेट्रोल से 14-15 का आराम से है। और क्या प्राइस है इसका हमारे लोगों के लिए? 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। जो होगा कम हो जाएगा वो आप आकर के बात कर सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल मेंटेन कंडीशन में है। तो दोस्तों, दूसरी गाड़ी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। और ये डीजल है पेट्रोल है? डीजल है। i20 जो कि i10 है ये। तो दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहते हैं दूसरी ये गाड़ी, जो कि i10 ग्रैंड है और डीजल में है। गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, इस साइड से देखिए, कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। सामने से देख सकते हैं आप, और फिर साइड से मैं दिखा दे रहा हूँ। साइड से भी देखिए, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है गाड़ी। पीछे से आइए देखते हैं इसको, पीछे से भी आप देखिए, बेहतरीन कंडीशन है। टायर की बात करें अगर, तो टायर भी गाड़ी में जो कंडीशन है टायर की, वो आप एक नज़र देख सकते हैं। उसके बाद फिर आइए अंदर से इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं कि कैसा है। तो इंटीरियर भी इसका देखिए, अंदर से बढ़िया है। i10 ग्रैंड, और मॉडल कौन सा ये भाई? मॉडल 2014 मॉडल है। चली कितनी है ये? चली है 70,000 के आसपास। 70,000। और क्या प्राइस है इसका? ये ऑप्शनल मॉडल है, 2014 की स्पोर्ट्स है। प्राइस क्या? डीजल
2,90,000 2,90,000 पुश बटन स्टार्ट है और डीजल है। डीजल से माइलेज लगभग इसका 20 से 22 का माइलेज है, तो बेहतरीन गाड़ी है। 2,90,000 भाई मांग रहे हैं, बाकी जब आप आएंगे तो ऑन टेबल कम हो जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है भाई। ये दूसरी गाड़ी और भी देखते हैं। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी खड़ी है, ग्रैंड आइटन, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, और ये भी सेम ही है, मॉडल 2014 इसका भी है, और पुश बटन भी ये भी है, ये चाबी से, अच्छा ये चाबी से ये पुश बटन स्टार्ट नहीं है। तो गाड़ी ये देखिए बहुत बेहतरीन कंडीशन में ये भी खड़ी है, और इसको भी मैं आपको अंदर से एक बार दिखाऊंगा। पहले तो टायर पे नज़र डालिए आप, और फिर उसके बाद आइए अंदर से देखते हैं चाबी इसकी। अंदर से आइए देखते हैं, तो अंदर से भी आप देख लीजिए इंटीरियर वगैरह इसका बढ़िया है। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है इसलिए बहुत साफ तो यहाँ दिखेगा नहीं, जो गाड़ी ऐसी चीज़ें खड़ी है कि अंधेरा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अंदर से इंटीरियर भी बढ़िया है। सोनी का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी में, और सेम प्राइस है 2,90,000। तो 2,90,000 की ये भी मिल जाएगी, डीजल है, ओनर फर्स्ट इसका भी है, सेकेंड ओनर है, तो सेकेंड ओनर है इसका। और इसके लिए आप बात कर सकते हैं, नंबर दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। चली कितनी अभी बता दीजिए? चली 65,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। एक गाड़ी ये भी आपको दिखाते हैं, 2007 मॉडल वैगनार है, VXI फर्स्ट ओनर। गाड़ी की कंडीशन देखिए इस साइड से, और फिर मैं उस तरफ से भी दिखा देता हूँ। तो इस साइड से भी देखिए बढ़िया कंडीशन है, टायर की कंडीशन ये है, और 2007 मॉडल है। चली कितनी है? 70 के आसपास। तो 70,000 चली है ये। ओनर क्या है इसका? फर्स्ट ओनर है। प्राइस भी बता दीजिए। 125 ओनली पेट्रोल पे है, तो 1,25,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं, पेट्रोल पे है ये। पेट्रोल से माइलेज लगभग ये 16-17 का तो आराम से निकाल देती है। और इस गाड़ी को लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है ये। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है, बिल्कुल न्यू है, 2018 का मॉडल है, और ये आपकी i20 है, हुंडई i20। और गाड़ी बहुत ही बेहतरीन होती है माइलेज के मामले में भी, और सारी चीज़ें लगभग इसमें 20 से 22 का माइलेज आपको मिल जाएगा। और गाड़ी आई पीछे से भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कंडीशन बढ़िया है। चलिए कितनी भाई है? 25,000। तो 25,000 किलोमीटर ये गाड़ी केवल चल चुकी है, 2018 का मॉडल है। गाड़ी पीछे से भी देखिए बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन है। टायर की जो कंडीशन है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए टायर कंडीशन ये है। उसके बाद आइए इसको अंदर से देखते हैं। तो दोस्तों अंदर से भी इस गाड़ी को आप देखिए, बेहतरीन कंडीशन है, और इंटीरियर एकदम बढ़िया है। और ये सेकेंड टॉप है भाई, सेकेंड टॉप है, क्योंकि टॉप वाली जो आती है वो पुश स्टार्ट होती है। और इसमें एयरबैग डबल है, दो एयरबैग हैं, ये सिंगल है, मुझे दो लग रहे हैं, इधर भी है उधर भी है, दो एयरबैग हैं। तो दो एयरबैग हैं इसमें। और इस चली कितनी है? 25,000 चली है। प्राइस भी बता दीजिए, ओनर फर्स्ट है, 2018 मॉडल है ये। प्राइस क्या है इसका? 6,80,000 रुपये मांग रहे भाई, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। अच्छा ये न्यू गाड़ी कितने की है? न्यू गाड़ी है 9,950 के आसपास है। तो दोस्तों 9,50 के आसपास है, 6,80 मांग रहे हैं, बाकी आप आ सकते हैं, जो भी है कम करा सकते हैं। और भी गाड़ी हैं, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी और दिखाने वाले हैं, स्कॉर्पियो, फिर उसके बाद टवेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें इस वीडियो बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स आए थे कि भाई टवेरा भी दिखाइए, तो आज टवेरा भी दिखाएंगे। और एक नहीं, यहाँ पर तीन टवेरा खड़ी हैं, तो हो सकता है सारी टवेरा देखने को मिल जाए आपको। तो अभी देखते हैं, और उससे पहले स्कॉर्पियो देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ी है। ये देखिए इधर लाइन से सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अभी स्कॉर्पियो देखते हैं। तो दोस्तों एक गाड़ी आपको ये दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, और ये 2010 का मॉडल है गाड़ी। आप देखिए स्कॉर्पियो, कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। सामने से जो गाड़ी का लुक है वो देखिए आप, और टायर की कंडीशन जो है वो देखिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन पैसे में आपको मिल जाएगी, जो कि पूरे लखनऊ में कोई नहीं दे पाएगा। पीछे से भी इसकी कंडीशन दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड से भी देख लीजिए,
साइड से भी गाड़ी ठीक ही है, कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे गाड़ी में। और आइए अंदर से भी देख लेते हैं, खोल लो उधर से थोड़ा। तो अंदर से भी कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन है, ये देखिए बैक कैमरा भी है, स्क्रीन भी लगी हुई है, और ये देखिए काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है अंदर से भी, और सीट कवर वगैरह भी ठीक ही हैं। रेट जो है इसका वो बहुत ही जेन्युइन है, और वो भी उसमें भी नेगोशिएबल होगा, क्योंकि इमरान भाई के यहाँ काफ़ी अच्छा रेट रहता है। लगभग चली कितनी इमरान भाई? 82,000 चली है। ओनर क्या है? सेकेंड ओनर 82,000 चली है, और 3,75,000। तो 3,75,000 में गाड़ी ये मिल जाएगी आपको, आप यहाँ बात कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नंबर दे दिया है हमने। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, और 2010 मॉडल 3,75,000 में बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी है, आप इसे चेक करें आकर के यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी गाड़ी आपको और भी दिखाते हैं, टवेरा, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है, 2009 का मॉडल है, और गाड़ी पीछे से आप देख ही रहे हैं अच्छी कंडीशन है, और इस साइड से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गाड़ी थोड़ा अंदर खड़ी हुई है इसलिए थोड़ा सा पूरी तरीके से इधर से दिख नहीं रही, लेकिन उस तरफ से मैं दिखा दूँगा आपको। इस साइड से देखिए कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी में नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। टायर की कंडीशन जो है वो ये है, आप देखिए, और उस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ और अंदर से दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस साइड से भी गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, और जिस तरीके से मैं दिखा पा रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो आगे से कुछ इस तरीके का है गाड़ी का लुक, ये देखिए बढ़िया कंडीशन है। आइए अंदर से भी देखते हैं, तो अंदर से भी इंटीरियर वगैरह इसका आप देखिए, इंटीरियर भी ठीक है। ये देखिए अंदर से जो गाड़ी की कंडीशन है वो ये है, और आइए पीछे से भी एक बार देखते हैं इसको, देखिए। और ये 2009 का मॉडल है, चली कितनी है? ये चली है 1,00,000 किलोमीटर चली है, ये देखिए पीछे से भी आप देखिए, और एसी इसमें डबल है, ऊपर भी है। और प्राइस क्या बताया इसका? 2,90,000 रुपये इसके मांग रहे हैं भाई, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। तो आप आकर के देख सकते हैं, ओनर फर्स्ट है इसका। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी देखिए, ये भी टवेरा है, जो कि वाइट कलर में खड़ी है। गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, टायर की कंडीशन देखिए, और गाड़ी इस साइड से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इस साइड से भी गाड़ी सही है, कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में। और उस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा खड़ी करने में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए गाड़ी ठीक से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आप देखिए स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, गाड़ी ठीक है। और उसके बाद आइए अंदर से देखते हैं, तो इसमें सीटें जो हैं वो कुछ चेंज हैं, देखिए इस तरीके से हैं अलग अलग वाली, और अंदर से इंटीरियर भी ठीक है गाड़ी का। 7-सीटर है ना, ये 7-सीटर है ये भी, बाकी ये देखिए इसका इंटीरियर भी ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया इसलिए साफ दिख नहीं रहा है अंदर से। ये कौन सा मॉडल है इमरान भाई? ये कौन सा मॉडल है? 2013 है। ओनर फर्स्ट है। प्राइस भी बता दीजिए कितनी चली है? 3,00,000 ये चली है, इसका प्राइस है 3,85,000। 3,85,000 और चली है 80,000। 3,85,000 प्राइस है, 80,000 चली है, मॉडल 2013। तो इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं भाई से, फाइनेंस भी हो जाएगी। ये भाई ये गाड़ी देखिए, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है, नैनो, जो कि बहुत सारे लोग बोल चुके हैं भाई नैनो दिखाइए। तो ये मॉडल कौन सा है? 16 मॉडल है, तो 2016 का मॉडल देने, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ये देखिए तो ये भी एक गाड़ी देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है, जो कि नैनो है और 2016 मॉडल है। कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल बढ़िया है, रिमोट से इसमें रिमोट कंट्रोल भी लगा हुआ है। बाकी गाड़ी आइए देखते हैं अंदर से भी,
तो अंदर से भी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट है, अंदर से भी आप देखिए, देखिए अंदर से भी गाड़ी बढ़िया है। म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है सोनी का और सीटें वगैरह बढ़िया है। और ये सीएनजी है, सबसे अच्छी बात तो ये सीएनजी से बहुत अच्छा माइलेज है इसका, जबकि पेट्रोल से ही अच्छा खासा माइलेज होता है। और प्राइस क्या है, 95? तो 95,000 रुपये की मात्र ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, जो कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों है। नैनो सीएनजी में काफ़ी कम मिलती है, लेकिन भाई के पास है, 95,000 निगोशियबल प्राइस है, तो आप बात कर सकते हैं इसके लिए भी। बहुत बेहतरीन गाड़ी है। चली कितनी है? चली है 32-33,000 ओनली चली हुई है, बस फर्स्ट ओनर है। और सीएनजी पर इसका माइलेज की अगर बात करें तो 35-40 का माइलेज है सीएनजी पे, तो ये पल्सर मान के चलिए चला रहे हैं आराम से, है कि नहीं? तो इसे भी आप ले सकते हैं जिसका बजट कम है और जो बहुत अच्छा माइलेज चाहता हो वो। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, i10 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। ये देखिए साइड से देखिए, कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, साफ है गाड़ी। और इस साइड से भी देखते हैं इसको, ये देखिए। और टायर की कंडीशन की बात करें अगर, तो टायर भी आप देखिए, ये देखिए टायर भी बढ़िया कंडीशन में है। गाड़ी आइए अंदर से देखते हैं, अंदर से बिल्कुल साफ है। मॉडल की बात करें, 2009 मॉडल ना भाई, 2008 मॉडल है, तो 2008 मॉडल है और फर्स्ट ओनर है ये। अंदर स्क्रीन भी लगी हुई है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी का है। और ये गाड़ी 8 मॉडल चली कितनी है? 71,000 चली है। प्राइस भी बता दीजिए इसका, 150, 1.5 लाख रुपए इसका प्राइस है और निगोशियबल प्राइस है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। तो एक गाड़ी और भी है, ये देखिए i10 2009 मॉडल और सेकंड ओनर है ये। चली कितनी भाई है? 68,000 चली है और ये सेम प्राइस है, 1.5 लाख रुपए की ये भी मिल जाएगी। कंडीशन इसकी भी बढ़िया है, बस ये सेकेंड ओनर है। और साइड से भी देखते हैं, इधर से भी कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ है गाड़ी। टायर की भी कंडीशन जो है बढ़िया है, चारों टायर ठीक हैं। अंदर से भी आइए देखते हैं, तो अंदर से भी आप देखें इंटीरियर वगैरह भी ठीक ही है। ये देखिए सीट कवर वगैरह भी ठीक है, तो सेम प्राइस है, 1.5 लाख रुपए में ये भी मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद वैगनार आ जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अगर आप पहली बार गाड़ी और कम बजट में लेना चाहते हैं तो ये सब गाड़ियां सबसे बेहतर रहती हैं, जैसे कि वैगनार हो गई, अल्टो हो गई, क्योंकि ये सब गाड़ी परेशान नहीं करती हैं किसी को, यानी कोई पहली बार लेता है तो परेशान नहीं होता है। और मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो, मेंटेनेंस ज़्यादा है नहीं इन गाड़ियों का, माइलेज काफ़ी अच्छा है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं गाड़ी में, साफ़ है, टायर की कंडीशन भी सही है। और आइए अंदर से इंटीरियर भी इसका एक बार देख लेते हैं, जैसे भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है तो इंटीरियर समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक ही है मेरे हिसाब से। आप गाड़ी आकर के देखिएगा, तो इंटीरियर भी बढ़िया है। और कितना चली है ये? चलिए 62,000 ये भी चली है। ओनर फर्स्ट है, 2008 मॉडल है। प्राइस बता दीजिए, 135, 1,35,000 डिमांड कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। आप बात करिए आकर के यहाँ पे, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में ये भी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। और सबसे मेन बात जो है इमरान भाई के यहाँ, ख़ास बात जो है वो यही रहती है कि रेट काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी रेट भी कैसे लगे आपको, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका जो है, कहीं से भी आप आएँ गाड़ी लेना हो तो NOC लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको NOC मिल जाती है, समझ जाएगा। कहीं के लिए भी आप दे देते हैं। क्या खर्चा आता है NOC का, वो जरा हमारे लोगों को बता दीजिए। 3500 रुपये खर्च है, और उसके अलावा गाड़ी यहाँ पर फाइनेंस भी हो जाती है। अगर आपका ITR है, आप ITR फाइल कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं फाइनेंस।
उसमें आपकी बैंकिंग वगैरह सही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो बहुत आराम से हो जाता है, प्राइवेट भी हैं तो ITR वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी है बताइएगा कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।